गुड इवनिंग और एस टी मिश्रा को खराब ब्लॉगर में आपका बहुत बहुत वेलकम है। कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और काफी जल्दबाजी में वेलकम हो रहा है। और मैं बता दूं, मैं जा रही हूँ आज, सरप्राइज दे रहे हस्बैंड जी। मैं पूछ रही हूँ कहाँ जाना है, बट बोले तैयार हो जाओ तैयार हो जाओ। तो मैं तैयार तो हो गई, अभी मुझे क्लियर नहीं पता है कहाँ। और हाँ, खाने के लिए भी मना कर दिया था कि बनाना नहीं, मतलब फ्रेंड का कुछ, मतलब फ्रेंड के यहाँ जाना है, उन्हीं के फ्रेंड के यहाँ कुछ है तो जाना है, तो पता नहीं कहाँ जाना है। तो ब्लॉग में बने रहे, मैं बताऊंगी सरप्राइज क्या है, मुझे भी नहीं पता है। तो फ्रेंड्स ब्लॉग में बने रहें और ब्लॉग को एंड तक जरूर देखें, इसकी बिल्कुल भी मत करें। तो चलते हैं जहाँ लेके जाएंगे, तो चलते हैं आप लोगों को लेके चलते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने पहनी है ये वाली साड़ी, कैसी लग रही है? थोड़ी सी नेट की है तो मुझे कुछ अनकंफर्टेबल फील हो रहा है इसमें, लेकिन कोई नहीं, साड़ी है पहने हैं। तो फ्रेंड्स चलो चलते हैं, देर नहीं करते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स ये कहीं पे नहीं, फ्रेंड की बर्थडे पार्टी या कोई मतलब फ्रेंड के घर पे नहीं गए थे, ये सीधे मुझे लेके आए थे जन्नत नाइट। और ये पुखराया का काफ़ी अच्छा होटल है, काफ़ी फेमस है ये जन्नत नाइट, तो वहीं पे लेके आए थे। तो मैं बता दूँ, मुझे बहाना करके आए थे कि मतलब और कहीं जाना है और तुम्हें बुलाया है, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है तो मैं मतलब तैयार नहीं थी बिल्कुल जाने के लिए, बट ज़बरदस्ती कर रहे थे इसलिए फ्रेंड के यहाँ की बोल के आए थे, तो मतलब मैं आ गई थी इसीलिए। मुझे सच में बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि कहाँ पे जाएंगे, तो आप लोग भी देख लो, काफ़ी अच्छा ये होटल है। तो मैंने सोचा लाओ शेयर भी कर देते हैं, और अच्छा भी लग रहा था, चलो सरप्राइज तो दिया कम से कम। ऐसा भी ज़रूरी है कभी कभी सरप्राइज दे देना चाहिए, तो अच्छा भी लग रहा था। फ्रेंड्स देखो यहाँ का लोकेशन भी बहुत ही प्यारा है, नज़ारा बहुत अच्छा था यहाँ का, आप लोग भी देख सकते। और इतनी मतलब भीड़ भाड़ थी, बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ थी। सो आप लोग देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आ गया था मेन्यू बुक, तो वही मैं चेक कर रही थी क्या ऑर्डर करना है क्या नहीं, तो समझ नहीं आ रहा था क्या करें क्या ना करें, मतलब कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं देख के क्या करें क्या ना करें। सो फ्रेंड्स ये मेरी एनिवर्सरी की मुझे सरप्राइज दिया जा रहा था, एनिवर्सरी की पार्टी हम लोग मनाने आए थे, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था मैं बता दूं। मैंने सोचा इतने दिन निकल गए अब नहीं, शायद ना हो, तो मुझे लग रहा था मतलब हर साल देते हैं, अब की बार मैं मायके चली गई थी, लेकिन मुझे आने के बाद मिली, मुझे दी और सरप्राइज़ दी। और हैप्पी को देखो, हैप्पी भी मस्ती कर रही थी झूले में बैठ के, काफ़ी इन्होंने एंजॉय किया यहाँ पे, काफ़ी मस्ती की हैप्पी ने। सो फ्रेंड्स देखो हम लोग आए हैं होटल में, सरप्राइज दिया है, कहीं के कह के आए थे कहीं पे लेके आए हैं, तो आपको दिखा रहे बैक कैमरे से क्या क्या खाने के लिए ऑर्डर किया है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे था फ्रूट रायता और सैलेड और पनीर था, ये अरहर की दाल थी, और ये आलू थे जीरा वाले, और पापड़ थे, और चपाती थी, कोल्ड ड्रिंक थी, और क्या थे, हाँ मीठे में छेने थे, आप लोग क्या बोलते हो, हम तो छेने ही बोलते हैं। और यहाँ पे दो पेप्सी की बॉटल थी, ये फ्रूट रायता था, तो काफ़ी अच्छा मतलब खाना था, खाने में भी काफ़ी टेस्टी था, तो पेट भर के खाया था हम लोगों ने, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और फ्रेंड इसके बाद मुझे भी और भी गिफ्ट्स मिलने वाला है, तो वीडियो को प्लीज़ इसकी बिल्कुल ही मत करना, एंड तक ज़रूर देखना मुझे क्या सरप्राइज दिया था, तो आपको देखने को जरूर मिलेगा, काफ़ी अच्छा सरप्राइज। और मुझे फर्स्ट बार ये मिला है, मुझे कभी ऐसा सरप्राइज़ नहीं दिया हस्बैंड जी ने मेरे, तो वैसे दिया है ऐसा नहीं है नहीं दिया, लेकिन इस तरीके का फर्स्ट बार मिला है। तो प्लीज़ वीडियो को देखें, फुल वॉच करें, तभी आपको एंड में पता चलेगा मुझे क्या मिला है। इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग जाने वाले हैं घर,
तो यहाँ पे बिल पे कर रहे हैं, मतलब बिल देना है, तो जितना भी आया हो मैंने नहीं देखा था कितना आया है। तो यहाँ पे कितना अच्छा लोकेशन है दिख रहा है आपको, और हम लोग जहाँ बैठे थे यहाँ पे तो एसी वगैरह लगी थी, इस यहाँ पे भी ठंडक थी, लेकिन हम जहाँ बैठे थे वहाँ पे बिल्कुल खुला था, तो वहाँ भी मुझे बैठने में काफ़ी अच्छा लग रहा था, और खुली हवा आ रही थी, कूलर वगैरह सारे लगे थे, तो अच्छा लग रहा था। और ये नीचे हैप्पी उतर रही है, देखो। सो फ्रेंड्स आ चुकी हैं घर पे, और आपको देख के पता चल रहा होगा, और हम बैठे हैं नीचे वाले में, नीचे वाले पोर्शन में बैठे हैं फर्स्ट फ्लोर पे। सो फ्रेंड्स नाइट के बज चुके हैं रात, काफ़ी टाइम हो गया था, नाइट के बज चुके हैं रात, सॉरी नाइट के बज चुके हैं 10:30, और टाइम काफ़ी हो गया था, क्योंकि मतलब जाओ तो लेट हो जाता है, और मुझे सरप्राइज मिला है, मैं बहुत हैप्पी हूँ, दिल से सच बता रही हूँ, और आपको भी दिखाने वाली हूँ, तो एक्साइटेड है देखने के लिए। तो मैं अभी दिखाती हूँ, अभी इधर लाओ, अरे लाओ ना, इसका बैग कहाँ गया, इन्हें पहले से सरप्राइज दिखा दिया। मैं सोच रही थी गैस करके आप लोगों को दिखाऊंगी, आप लोग गैस करना क्या है, और ये कहाँ रुकने वाली हैं, रुक जा फ्रेंड्स, पहले इन्हें समझा दे। सो फ्रेंड्स मैं ये पर्स पहले दिखाने वाली थी कि आप लोग गैस करिए क्या होगा, तो इन्होंने पहले दिखा दिया मेरा पूरा सरप्राइज, इन्हें पहले तो मुझे सरप्राइज मिला था, बट मैं आपको अब देने वाली थी, और इन्होंने पूरा मजा बेकार कर दिया मेरे सरप्राइज का। सो फ्रेंड्स मैं दिखाती हूँ मुझे क्या मिला है, मुझे फर्स्ट बार मिला है कुछ मिलता था बट ऐसा नहीं मिलता था, मैं सच बता रही हूँ, फर्स्ट बार मिला है, तो मैं दिखा देती हूँ, ज़्यादा आपको आपको दिख रहा है, क्लियर नहीं दिख रहा होगा। सो फ्रेंड्स मुझे मिली है ये रिंग, आज पहली बार मुझे कुछ गोल्ड का फर्स्ट बार मिला है, तो कैसी लग रही है बताना जरूर, क्लियर नहीं आ रही है, कोशिश तो बहुत कर रही हूँ बट हाँ, तो फ्रेंड्स बताना कैसी है। तो मुझे ये गोल्ड की फर्स्ट बार मुझे गिफ्ट में मिली है, मिलता था ऐसा नहीं है, नहीं मिलता था, और मतलब गोल्ड वगैरह नहीं मिलता था, पैसे मिल जाते थे, साड़ी मिल जाती थी, ऐसा मिल जाता था, बट गोल्ड का फर्स्ट बार है, तो मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ, सच्ची बता रही हूँ, दिल से बहुत ही खुश हूँ। तो मुझे नहीं, मैं रियल बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता था इसके बारे में भी, ना मुझे ये पता था मैं कहाँ जा रही हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम था, और सब सारा सरप्राइज दिया है मुझे, तो मैं शॉक हो गई थी देख के, और अंदर से बहुत ही हैप्पी हूँ, दिल से बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो फ्रेंड्स ऐसा मतलब उन्होंने कैमरे के सामने नहीं दिया, और वो कैमरे के सामने कुछ अपना वो दिखाते भी नहीं है कि मैं मतलब हाँ मैंने दिया, मैं पूरा पब्लिक को दिखाऊँ, ऐसा नहीं है, वो तो मैंने आपके साथ शेयर किया, आप मेरी फैमिली हो तो आपके साथ शेयर किया, तो बहुत हैप्पी हूँ, सच्ची बता रही हूँ दिल से। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे जो भी न्यू आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अच्छी ब्लॉग के साथ, तब तक आप लोग अपना रखिए ख्याल, और मुझे दो इजाज़त, तो गर्मी तो हो ही रही है काफ़ी, गर्मी की तो कोई बात ही नहीं है, तो अब करेंगे साड़ी चेंज, और पानी भी भरना है क्योंकि पानी पूरा खाली भी हो रखा है मेरे ख्याल से, लाइट भी चली गई है। तो फ्रेंड्स मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सरप्राइज़ कैसा लगा मैं आपको पहन के दिखाती हूँ, ठीक है, बने रहना, मैं पहले मतलब पहन लेती हूँ उसके बाद दिखाती हूँ। सो फ्रेंड्स पहन ली है मैंने, इसमें ना क्लियर नहीं आ रही है, तो कैसी लग रही है प्लीज बताना, मैंने इसकी प्राइस पूछी थी बट मुझे बताई नहीं है, और नहीं बताई है तो कोई बात नहीं है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से इसकी बार कोई गिफ्ट नहीं लिया है, तो उम्मीद करती हूँ अगली एनिवर्सरी आने तक मैं भी अच्छा सा गिफ्ट खरीदूँ, तो आप लोग मेरा सपोर्ट करिए प्लीज़ कि मैं भी कोई अच्छा सा गिफ्ट खरीद के दूँ। सो फ्रेंड्स मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अच्छे ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।